हाय गाइस, वेलकम टू द किड्स देवा। तो आज हम करने वाले हैं फ्लूइड आर्ट। तो ये वाली वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जिसमें मैंने ये वाली ब्लू फ्लूइड आर्ट बनाई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप देख सकते हो कि ये कितनी प्यारी आर्ट बनी थी और इस पर मैंने वॉर्निश भी लगाई है जिससे कि आप देख सकते हो कि ये कितनी शाइन कर रही है। पर आज हम ब्लू नहीं बनाएंगे क्योंकि हम वो पहले ही बना चुके हैं। तो आज हम ये वाली आर्ट बनाएंगे, ये ब्लैक और गोल्ड मतलब मेटालिक वर्जन है फ्लूइड आर्ट का। तो हम यही वाली आर्ट आज करेंगे और ये है 250 रुपीज़ की। आप भी इसे बाय कर सकते हैं और घर पे इजली फ्लूइड आर्ट बना सकते हैं। तो इसमें हमें मिलता है एक एप्रन, 4 कलर्स और एक कैनवास। तो कुछ भी हमें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप न्यूज़पेपर वगैरह और कप्स ले लीजिएगा जिससे कि आप फ्लूइड आर्ट बना पाएँ। तो मैं ये पैकेट को कट कर लेती हूँ। तो अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो इसके अंदर से ये निकला है हमारा एक स्क्वायर कैनवस, तो ये आप देख सकते हैं। और इसी पे आज हम अपनी आर्ट करने वाले हैं। आप चाहे तो कोई और कैनवस भी ले सकते हैं अगर आपको थोड़ी बड़ी या छोटी आर्ट करनी हो तो। और ये एक एप्रन है और ये हमारे 4 कलर्स हैं। इसकी मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि हमें ये जो कलर्स मिलते हैं वो इस तरह की बॉटल में मिलते हैं, तो इससे हमें पोर करने में बहुत ईजी होता है और बहुत ही अच्छे से ये हो जाता है। तो कैनवस के ऊपर इस तरह की एक पॉलीथिन लगी हुई थी, वो मैंने कट कर ली। तो अब मैं आपको वो कलर्स भी दिखा देती हूँ जो हमें इस किट में मिलते हैं। तो ये है मेटालिक गोल्ड कलर, ये है ब्लैक कलर, और ये है वाइट कलर, और ये है मेटालिक सिल्वर कलर। तो यही 4 कलर्स हमें मिले हैं और इन्हीं 4 कलर्स की हेल्प से आज हम अपनी फ्लूइड आर्ट करने वाले हैं। और हाँ, हमें इन कलर्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं करना होता है। सबसे पहले हम इनको इस तरह से शेक कर लेंगे। तो हम सारी बॉटल्स इस तरह से शेक कर लेंगे क्योंकि इनके पैकेट पे भी लिखा होता है कि आप पहले शेक करें जिससे कि कलर्स बहुत ही फ्लुएंटली वर्क करते हैं। तो शेक करने के बाद हमें ये पूरी तैयारी करनी है। आप यहाँ पर न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर प्लेन पेपर्स रखे हैं जिससे हमारा बैकग्राउंड ख़राब ना हो जहाँ पर भी हम बनाएं। उसके बाद आपको कोई भी कप लेना है, मैंने भी ये कप लिया है। और उसके बाद कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले इन कलर्स की कैप आप पहले से ही खोल के रख लेना, वरना बीच में अगर आप कोई कैप खोलनी पड़ेगी ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी सर। तो इसलिए मैं पहले ही सारे बॉटल्स के कैप खोल लूँगी। और शेक खुलने की वजह से आप देख सकते हो कि हमारे कलर्स भी बाहर आने लगे हैं। तो एक एक करके हम इस तरह से, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो पहले, ज़रूरी नहीं है कि मैंने सबसे पहले ब्लैक यूज़ करा है तो आप भी सबसे पहले ब्लैक ही यूज़ करो। तो मैं इस तरह से सीजन वाइज करूँगी, जैसे मैंने अगर ब्लैक सिल्वर गोल्ड करा है तो मैं अगली बार भी ब्लैक सिल्वर गोल्ड ही करूँगी। और हाँ, ऐसे सीरियल वाइज ही करना, इससे ना कलर्स का बहुत अच्छा पैटर्न बन के आता है, इसलिए हम सीरियल वाइज करते हैं। और इसको करने का तरीका ये है कि कप को थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ना होता है और एक एक करके इस तरह से हमें थोड़े थोड़े कलर्स डालने होते हैं। और करते करते जब आपका कप फिल होने लगे, हाफ या हाफ से ज़्यादा फिल हो जाए, तो आपको उसको कैनवस के ऊपर पोर करना है। तो इस तरह से हम एक के बाद एक थोड़े थोड़े कलर्स डालते रहेंगे। ये करने में ना इतना मज़ा आ रहा था ना, आपको एक बार ये आर्ट ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको इसी किट से ट्राई करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी है बनाना। को बहुत सारी और भी किट्स होती हैं फ्लूइड आर्ट बनाने की, पर मेरे हिसाब से ये कैमल की जो है ना, ये बेस्ट है। आप इसी को यूज़ करके बनाएं तो बहुत ही इजी हो जाता है बनाने के लिए। और अगर कोई बिगनर है, फर्स्ट टाइम बना रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ही इजी है। मैंने भी ज़्यादा बार नहीं ट्राई करा है, मेरा भी ये सेकेंड टाइम ही है। और हाँ, मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको इन केस आपको बाय करना हो तो आप बाय कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखना, ब्लैक को थोड़ा सा कम यूज़ करना और बाकी कलर्स को थोड़ा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्लैक ज़्यादा कर दोगे ना तो ब्लैक क्या करता है, वो सारे कलर्स को अपने साथ मिक्स कर लेगा। सारे कलर फिर मिक्स होके फिर वो सिर्फ ब्लैक ही दिखेगा। तो अगर सिर्फ ब्लैक ही दिखेगा तो फ्लूइड आर्ट का मतलब ही क्या, मतलब फिर वो कहाँ से पता लगेगा कि वो फ्लूइड आर्ट है। तो इसलिए हम ब्लैक को कम यूज़ करेंगे और बाकी कलर्स को थोड़ा ज़्यादा। आपको देखने में लगा होगा कि वाह, कितनी जल्दी ये कप फिल हो गया, पर ये करने में मुझे 20 to 25 मिनट्स लग गए थे सिर्फ ये कप फिल करने में ही।
और अगर आप इस कप में थोड़ा ध्यान से देखें तो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा पैटर्न बनने लगा है। तो ये कप हमारा आधे से थोड़ा ज़्यादा फिल हो चुका है, तो अब हम इसको पोर करेंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखने में भी बहुत मज़ा आता है और करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो मैं इस तरह से इसको पोर कर दूँगी। देख सकते हो ना कि मैंने कितना टाइम लगाया इस पैटर्न को बनाने में, और इसने ना पूरा कैनवस भी फिल नहीं करा। तो मुझे फिर से अभी वही करना पड़ेगा, सेम चीज़। थोड़े बहुत मैं कलर्स इस तरह से भी डाल रही हूँ। इस मुझे ना गोल्ड कलर बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि वो मैं ज़्यादा रखती हूँ, तो मैंने कुछ इस तरह से कैनवस पर गोल्ड कलर डाल दिया। तो ये जो आप देख रहे हो कि साइड से बॉटल उठती जा रही है और फिर रखती जा रही है, तो वो मैं कप में फिर से फिल कर रही थी कलर्स को। पर क्या हुआ कि मैं भूल ही गई कि मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ, तो वो आया ही नहीं। और जब मुझे याद आया तो मैंने फिर से उसको दिखा दिया वीडियो में। तो फिर से हमारा ये प्यारा सा पैटर्न बनने लगा है। और आप चाहो तो आप एक बार में ही कप को पूरा फिल करके डाल सकते हो, पर मुझे ऐसे हाफ ऑफ करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं हाफ ऑफ करके डालती हूँ। तो फिर से हमारा कप फिल हो गया था, तो इसलिए मैंने एक बार फिर से ये पोर कर दिया। और इस तरह से पोर करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है। थोड़ा बहुत कलर मैं यहाँ पे ना और ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे, सच बता रही हूँ, मुझे ये गोल्ड कलर फ्लूइड आर्ट में देखना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी हम और ज़्यादा गोल्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। मतलब देखना चाहती थी मैं कि मैं अगर गोल्ड कलर ज़्यादा डालूँगी तो वो कैसा लगेगा। तो इसलिए बस मुझे गोल्ड कलर से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया था, इसलिए मैं गोल्ड पर गोल्ड पर गोल्ड ही डाली जा रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि सिर्फ मैं गोल्ड ही डाल दूँगी तो फिर मज़ा भी क्या ही आएगा। तो इसलिए मैंने और भी कलर्स डाले, और आप देख सकते हो कि मैंने डायरेक्ट कैनवस पे इस तरह का पैटर्न बना दिया, सर्कुलर वाला। एक कलर के ऊपर दूसरा कलर, दूसरे कलर के ऊपर तीसरा कलर, ये वाला पैटर्न, क्योंकि मैं थक गई थी बार बार कप फिल करते करते। तो इसलिए जो भी मुझे जगह खाली दिख रही थी कैनवस में, मैं उस वहाँ पर ये पैटर्न बनाती जा रही थी और कलर्स भी ऐसे ही पोर करती जा रही थी। तो आप सच बताना कि आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था ये आर्ट बनाने में। और उसके बाद वो टाइम आ गया जिसका इंतज़ार मुझे भी था और आपको भी। तो बस अभी हम कैनवस को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, जिससे कि कलर्स इधर उधर जाएंगे और हमारी फ्लूइड आर्ट का पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैनवस को हिलाएंगे थोड़ा सा, और थोड़ा कलर्स को इस साइड पुश करेंगे, थोड़ा सा उस साइड पुश करेंगे, जिससे कि पूरे के पूरे कैनवस पे अच्छा सा हमारा पैटर्न बन जाए। और मैंने इसलिए आपसे कहा था कि आप कोई भी न्यूज़पेपर या पेपर रख लेना, जिससे कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है कलर लास्ट में उसी पे गिरना होता है। तो बस इसलिए ही कहा था, जिससे कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ख़राब ना हो। तो ये मेन स्टेप है, इसको भूलना मत, वरना जहाँ पर भी आप ये बनाओगे ना वो एरिया बहुत गंदा हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत फिर मुझे लगा कि गोल्ड और ब्लैक थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने फिर वो बढ़ा दिया और साइड साइड में गोल्ड और ब्लैक ज़्यादा कर दिया। और आप ये मत सोचना कि अगर हम इस तरह से बाद में कलर डाल देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, हमारी आर्ट ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो कलर बढ़ाना है वो आप अभी बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं कुछ कलर्स बढ़ा रही हूँ अभी, और गोल्ड तो ख़ास तौर से ज़्यादा ही बढ़ा रही हूँ, जिससे कि और भी हमारी पेंटिंग अच्छी लगे। और एक चीज़ मत भूलना, वैसे तो वो अपने आप ही कवर हो जाएगी, पर अगर ना हो तो वो आप ज़रूर कवर कर देना। जो साइड्स हैं कैनवस की, जो एजेस हैं, वो सब अच्छे से कवर कर लेना, वरना आप देख ही सकते हो, मेरी तो मैं नहीं भी कर रही हूँ तो वो अपने आप ही हो जाती हैं। पर अगर बाई चांस कोई भी एज या कॉर्नर रह जाए तो आप उसको कवर कर लेना कलर से। तो अभी हमारा कैनवस पूरा कवर हो चुका है कलर से। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि मुझे गोल्ड कलर ज़्यादा चाहिए था, तो इसलिए मैंने गोल्ड कलर जितना भी इस बॉटल में बचा था वो जो है कैनवस के ऊपर पोर कर लिया इस तरह से। और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है, मैं बॉटल से डाल रही हूँ तब भी। तो आप देख ही सकते हो कि कितने अच्छे से, कहीं कम, कहीं छोटी ड्रॉप, कहीं बड़ी ड्रॉप कलर की, तो वो करते करते हमारा पैटर्न बहुत ही सुंदर बन के आया था लास्ट में। और इस तरह की चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको कोई कलर अच्छा लग रहा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकते हो।
और मैंने देखा था कि फ्लूइड आर्ट में ड्रायर का भी यूज़ होता है, तो मैंने भी यूज़ करने का ट्राई करा, पर उससे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था हमारी आर्ट पे। कोई कलर ना इधर जा रहे थे ना इधर से उधर जा रहे थे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे, जबकि मैंने कितना इसको ड्रायर से करने की कोशिश करी कि कलर थोड़े से भी हिल जाए, पर कोई फ़ायदा ही नहीं था ये करने का, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, आप देख ही सकते हो। तो अभी आपको इसको हाथ नहीं लगाना है और इसको सूखने देना है 6 से 7 आवर्स, उतने में आराम से अच्छे से सूख जाएगी। और आप ये मेरे कलर्स की और मेरे हाथों की हालत देख ही सकते हो, पर हमारी ये जो आर्ट है वो कितनी सुंदर बनी है वो भी देख ही सकते हो। तो अभी ये सूखी भी नहीं है, अभी ये गीली ही है, मैं अभी आपको और आप जो देख सकते हो कि मैंने बॉटल से डायरेक्ट इस पर डाला था गोल्ड कलर, उसका पैटर्न भी कितना सुंदर आया है। तो अभी हमारी जो आर्ट है वो ड्राई हो चुकी है, और ये है हमारी आर्ट जो हमने पार्ट 1 में बनाई थी, और ये है हमारी आर्ट जो हमने पार्ट 2 में बनाई है। दोनों के ही कलर्स अलग हैं, दोनों के पैटर्न अलग हैं, पर सुंदर दोनों ही बहुत हैं। तो अभी जैसे आपकी पेंटिंग अच्छे से ड्राई हो जाए, आप वॉर्निश दे इसको कोट कर देना, वैसे एक कोट काफ़ी होता है, पर ये हमारी फ्लूइड आर्ट है तो इस पर हम 2 कोट कर देंगे। तो इस तरह से एक कोट जब ड्राई हो जाएगा तो आप दूसरा कोट कर देना। और अगर किसी को ये नहीं पता है कि हम वॉर्निश क्यों लगाते हैं, तो हम वॉर्निश इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारी पेंटिंग्स गंदी ना हो, थोड़ी सी वाटर प्रूफ हो जाए और थोड़ा ज़्यादा टाइम चल पाएँ, थोड़ी ज़्यादा टाइम हम इन्हें अपने घर में डेकोरेट कर पाएँ, इसलिए हम वॉर्निश लगाते हैं। अगर आपके पास वॉर्निश नहीं है तो आप फेविकॉल और वाटर मिक्स करके भी इसके ऊपर लगा सकते हो, और अगर वो भी नहीं यूज़ करना है तो आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का कोट भी कर सकते हो। तो आपको ये भी पता लग गया कि अगर आपके पास वॉर्निश नहीं है तो आपको क्या यूज़ करना है। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार ज़रूर इसको ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत ही फ़न आर्ट वर्क है, इससे आप बोर नहीं होते हो, आपको मज़ा आता है कलर पोर करने में, कलर का पैटर्न बनाने में, कुछ नए नए फ्लूइड आर्ट पैटर्न्स बनाने में, और उसके बाद उन्हें डेकोरेट करने में। तो इसलिए मैं तो ज़रूर कहूँगी कि आप इन्हें ट्राई करें अपने समर वेकेशंस में। समर वेकेशंस सबकी हो ही गई होंगी, नहीं हुई होंगी तो होने वाली होंगी, तो अपनी समर वेकेशंस में एक बार ज़रूर इस आर्ट को ट्राई करें, इस आर्ट फॉर्म को ज़रूर ट्राई करें, और इस किट की हेल्प से ही ट्राई करें, क्योंकि अगर आप बिगनर हो या फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बहुत ही इजी रहता है करने में। तो ये रही हमारी प्यारी सी फ्लूइड आर्ट, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।